नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 6 साल बाद कमबैक करेंगी प्रीति जिंटा। ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक्टिंग छोड़कर आईपीएल से जुड़ी थी, अब 183 करोड़ की मालकिन। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा 49 साल की हो गई हैं। प्रीति बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार की जाती है। उन्होंने कल होना हो कभी अलविदा ना कहना, कोई मिल गया, सलाम नमस्ते, वीर जारा समेत कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। प्रीति अब अमेरिका में सेटल हो चुकी है, जहां वे पति जीन गुडइनफ और 2 बच्चों के साथ रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीति सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 से कमबैक कर सकती हैं। हाल ही में उन्हें इस फिल्म के लुक टेस्ट के लिए मुंबई के एक स्टूडियो में भी देखा गया था। प्रीति आखिरी बार भैया जी सुपरहिट में नजर आई थी। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ चुकी थी। 2008 में ही वो आईपीएल में पंजाब किंग्स की को ओनर बन गई थी। सफल करियर के बावजूद प्रीति ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा और क्रिकेट वर्ल्ड से क्यों जुड़ी? 13 साल की उम्र में पिता को खो चुकी है प्रीति। प्रीति का जन्म 31 जनवरी 1975 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम दुर्गानंद जिंटा और नील प्रभा है। प्रीति के पापा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। जब प्रीति 13 साल की थी, तभी उनके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस एक्सीडेंट में उनकी मां को गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण वह 2 साल तक बिस्तर पर थी। काफी इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हो सका। इस हादसे के बाद प्रीति की लाइफ पर भी गहरा असर पड़ा था। उन्हें इसे उबरने में काफी वक्त लगा था। ऐसे मिला था ग्लैमर वर्ल्ड में पहला ब्रेक। प्रीति की स्कूलिंग शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस और मैरी स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने सेंट बेड़े कॉलेज शिमला से आगे की पढ़ाई की। प्रीति बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लिश ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिमिनल साइकोलॉजी से किया था। 1996 में प्रीति एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, जहाँ उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई। इस डायरेक्टर ने उन्हें एक चॉकलेट के विज्ञापन में काम करने का ऑफर दिया, जिसे प्रीति ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो कई विज्ञापनों में दिखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।